दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पीलखुआ के बजरंगपुरी व सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल सामने चल रहे दो केमिकल के गोदामों पर एसटीएम व आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई साल से चल रहे दो गोदामों से 12,000 लीटर जहरीले मिथाइल एल्कोहल के 54 ड्रम बरामद किए हैं। मिथाइल एल्कोहल का जहरीला शराब बनाने में इस्तेमाल होता है। आजमगढ़ में भी दर्जनों लोगों की इसी केमिकल के पीने से मौत हुई थी। हापुड़ के गंगा किनारे लगने वाले गंगा कार्तिक मेले व निकाय चुनाव में मिथाइल एल्कोहल परोसने जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके से दो तस्कर सहित तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और फैक्ट्री मालिक मौके से फरार चल रहा है। शक्ति किसकी है? मालिक अजय गोयल। क्या करते हो? उनका काम है। उन्हीं का काम है तो ये कहाँ सप्लाई होता था, कहाँ से आता था, कुछ जानकारी है इसकी? बस इतनी पता जी, लकड़ी में जाता है, लकड़ी में लकड़ी मेरी प्लाई होती है उसमें जाता है। जानकारी मिली ऐसी कि कुछ से केमिकल उतारा जा रहा है, तो हम 6 बजे के आसपास हमारी टीम यहाँ पहुँची तो हमने यहाँ पे देखा तो काफ़ी ड्रम रखे थे, लगभग 54 ड्रम है दो गोदामों में, जिसमें ये मिथाइल एल्कोहल भरा हुआ है। और दो लोग हमने मौके से दबोचे जो माल लेने आए हुए थे, उन्होंने एक का नाम बताया, वो भी हमने थोड़ा पकड़ लिया दौड़ा के, अपने सिपाही वगैरह उसके पीछे गए। तो एक ये बता रहे हैं कि मालिक है इनका कोई विजय गोयल करके है, अजय गोयल करके, तो उसके लिए भी। ये केमिकल किस काम में आता है और क्या प्रतिबंध होता है इस केमिकल का, कुछ क्या प्रतिबंध होता है? ये बिना लाइसेंस के ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, और ये इससे कुछ जो जिनके पास लाइसेंस है वो फैक्ट्री वाले इससे कुछ फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह बनाते हैं जो आगे काम आता है, या पेंट वगैरह, पेंट वगैरह में काम आता है। बाकी वैसे ये किस यूज किसके यूज होता है? ये जहरीली शराब जो होती है वो यही होती है मिथाइल एल्कोहल, जो लोग बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। जो अभी उन्नाव में घटना हुई वो यही, आजमगढ़ में जो घटना हुई यही पीने से हुई थी, मिथाइल एल्कोहल पीने से हुई थी। अब